इंडिया फॉर एजुकेशन में आपका आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं बात करने एक नए टॉपिक पे। PSLV C45 ने एमी सेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसके बारे में आइए आज हम लोग बात करते हैं। ये वही सैटेलाइट का आपको इमेज दिखा रहा है। PSLV C45 ने आज श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एमी सेट और अन्य देशों के 28 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। PSLV C45 ने दूसरे लॉन्च पैड से भारतीय समयानुसार 9:27 पर उड़ान भरी और उसके बाद वह 17:12 के बाद अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। जो सैटेलाइट था वो 17:12 में अपनी जो पहले से निर्धारित कक्षा थी उसमें वो स्थापित हो गया। उसके बाद सौर ऊर्जा के से चलने वाली एमी सेट की 2 श्रृंखलाएँ स्थापित हो गई तथा बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रेनिंग और कमांड नेटवर्क ने उपग्रह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आने वाले दिनों में यह उपग्रह पूरी तरह संचालित हो जाए। ये उसके बारे में पूरी डिटेल है कि कैसे वो लॉन्च हुआ, सैटेलाइट में कहाँ क्या क्या था, पहले और दूसरे चरण या सभी चीज़ें, 28 सैटेलाइट के बारे में, और ये पूरी उसकी लॉन्चिंग की पूरी डिटेल है इसमें। आप चाहें तो इसको जूम करके देख सकते हैं या नॉर्मली भी इसमें आपको उसकी पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि वो कितने दूरी था, कितना किलोग्राम, ये डिटेल जानकारी है। उसके बाद एमी सेट इसरो ने मिनी उपग्रह 2 के आधार पर निर्मित है। एमीसेट इसरो के मिनी उपग्रह 2 के आधार पर निर्मित किया गया है। इसको इसका भार लगभग 436 किलोग्राम है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पैमाइस के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा 4 देशों के भी अलग कुल 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ इनमें लिथुआनिया के 2, स्पेन का 1, स्विट्जरलैंड का 1 और अमेरिका के 24 उपग्रह शामिल हैं। इन्हीं लोगों के 28 उपग्रह हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग संख्या, जिसमें सबसे अधिक अमेरिका के हैं, वो हैं 24। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने कहा कि आज का PSLV अभियान कई मामलों में अनोखा है। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। अगले अभियान के तहत PSLV C46 मई 2019 में VSAT-2B को लॉन्च करेगा, जो इसरो है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इस उपग्रह के बारे में, ये उस सैटेलाइट के लॉन्चिंग के समय का इमेज है, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और YouTube चैनल के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।